बाइबल कहती परमेश्वर अगर जिसकी और है उसका विरोधी कोई नहीं। सर मैं तुम्हें भी दस दिना बलजिंदर की मैं कह दो डरदा नहीं जी। अच्छा बलजिंदर की हाँ। नरूला की कोई ना आपम आपम मिनिस्ट्री दा सुखपा राणा की जी सारे नु पैसे खवाए जी। ओ पैसे खवाए इन्ने पैसे खवाए मसे भी रखे कुछ नहीं जी कख नहीं बनया जी। कहते कि नशा छड्डूगा फिर सही हो जाऊगा जी नशा छड्डूगा फिर सही होगा जी। नशा छड्डा नहीं जाता कोई गल नहीं नाम कोई गल नहीं नहीं सर मैं कह दो डरदा नहीं जी। नहीं नहीं वैसे दसो जिथे मैं गया मैं सच सही गवाही दे कोई गल नहीं। जो मैं 4 लाख रुपए का नशा कहना नहीं घरों बहुत तगड़े हैं तो 4 लाख रुपए का नशा करता रहा ही हूं जिन्ने भी नहीं नहीं सुनो सुनो करण जी सारे आदर दे योग ने जिन्निया भी मिनिस्ट्रियां काम कर रही ने जो उन्होंने कॉल है उन्होंने करना। तो भी आपने इस वीडियो में देखा संत परगट यूसुफ मसीह जी जिनका नाम है। तो एक बंदा जिनकी चर्च में गया वो कहता मैं अंकनूला जी चर्च गया प्रॉफिट बजेंद्र हो चाहे सुपारण हो मैं किसी से डरता नहीं इनको मैंने बहुत पैसे खिलाए ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो आगे से बोल रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं है सब मिनिस्ट्रियां आदरणीय आदर के योग है अपनी अपनी कॉलिंग है जो भी जैसे करता है उन्हें करने दो आप इस बात को छोड़ो। ये तब उन्होंने क्यों नहीं मुद्दा बनाया अभी को बनाया शायद हो सकता है कुछ और कोई दूसरी मिनिस्ट्री हो जिन्होंने के नाम लिए और उनसे ये डरते हैं फिर हाँ फिर उनका भी मुद्दा बनाना चाहिए था इन्हीं का क्यों बनाया है। जो आत्मिक है वो दोनों तरफ देखता है दाएं भी और बाएं भी सच क्या और झूठ क्या है। जो शारीरिक है वो एक बात को देख ये समय ये वक्त बताएगा अभी नहीं अभी तो बहुत बातें हो रही है पर जब समय आएगा तो वो वक्त बता देगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज इस वीडियो को बनाने का एक मेरा खास मकसद है इसलिए इस वीडियो को अंत तक इसमें बने रहना क्योंकि जिस बात की परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है जो भी लोगों के मनों में जो कन्फ्यूजन है ये वीडियो उस कन्फ्यूजन को दूर करेगी। कौन सच्चा और कौन झूठा है बोलो क्या है कौन सच्चा और कौन झूठा है। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना क्योंकि जो भी इस बात का मुद्दा उठा है जो भी विवाद हो रहा है जैसे प्रेरित सुखपाल पॉल राणा जी जो बहुत ही आदरणीय और परमेश्वर के सच्चे एक रियल मैन ऑफ गॉड हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कहां से की और परमेश्वर ने कहां तक लेकर गया। तो हमने पहले भी उनकी वीडियो को देखा है कि जब वो अपना काम करते थे तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे तो वो अच्छे पैसे महीने के कमाते थे अच्छे खासे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन दिनों में एक नई गाड़ी परचेज की उन दिनों में लोग बाइक लेना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि इतना काम नहीं था पैसा नहीं था तो बहुत उस समय ऐसा था। पर परमेश्वर ने जब उन्होंने खुदा को जाना तो परमेश्वर ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने काम को डेवलप करता तो मैं अपने काम को बिजनेस को करोड़ों में भी लेकर जा सकता था। पर हुआ क्या है बोलो क्या है जैसे दाऊद भेड़ें बकरियां चराता था बोलो क्या है आप परमेश्वर से ऊंचा करना चाहता था बोलो क्या है। तो ये परमेश्वर की एक कॉलिंग है उसकी बुलाहट है बोलो क्या है परमेश्वर की एक कॉलिंग है। वो तो अपने बिजनेस में बढ़ सकते थे पर परमेश्वर अपने काम में उन्हें यूज करना चाहता था। और हमने सुना है कि परमेश्वर ने कैसे जब उन्होंने काम को शुरू किया तो कैसे परमेश्वर ने वन बाय वन कैसे परमेश्वर ने बढ़ाता गया और आज कहां तक परमेश्वर लेकर आया उन्हें। पर विवाद इस बात का है कि जो संत फेरिस जी महाभिषेक वाले जो बोल रहे हैं एक फैमिली जो पहले प्रेरित सुखपाल पौर राणा जी के चर्च में जो आए तो बाद में
वो इनके पास चले गए। क्या चले गए? जिससे विवाद उठाए। ये मुद्दा इन्होंने ऐसे बनाकर इस बात का कि हाँ हाँ उन्होंने पैसे मांगे फॉर्च्यून गाड़ी ऐसे मांगी। फॉर्च्यून गाड़ी का तो नाम लिया ही लिया, बीच में उन्होंने बहुत सी चीजें को और भी ऐड कर लिया। क्या कर लिया बोलो? बहुत सी बातों को और भी ऐड कर लिया, जैसे कार्ड की, ले हैंड की, ऐसे बहुत से ऐसे और भी बहुत सी विरोध में बातें वो बोल रही है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। जब मैं सीखी। अच्छा, तूने मुझे पहली बार जब बाहर जाना था क्या कहा था कि मेरे आईलेस बैंड नहीं आएंगे तो मुझे भेज दो, तो क्या कहा था मुझे तूने? मैं पापा जी ये क्या है कि जो मेरा वीजा होगा तो मैं पापा जी उसे जाऊंगा। हाँ। जो भी मैं उसे मतलब की कमाऊंगा मैं तानू फॉर्च्यूनर गाड़ी देनी है। जिसमें उस लड़के ने खुद कहा कि क्योंकि उसके बैंड नहीं आ रहे थे, वो बाहर जाना चाहता था तो उसके बैंड नहीं आ रहे, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहा अगर तेरे बैंड आ जाए तो क्या करें? तो उसने कहा मैं परमेश्वर के कामों के लिए फॉर्च्यून गाड़ी दूंगा। परमेश्वर के काम के लिए भाई, टैक्सी के लिए नहीं कि जब ऐसे गाड़ियां लोग देंगे तो टैक्सी स्टैंड बना लेंगे। अगर दे भी देता तो किसके काम में यूज होती ना? देखो संसार के जो लोग धार्मिकता करते हैं, जैसे मान लो राधा स्वामी, रंगकारी, जितने भी और भी, तो जाओ जाकर देखो वो लोगों ने बोया है किसके लिए? खुदा के लिए। पर यहां पे ऐसे मुद्दा क्यों बनता है? यही तो मेन बात है। क्योंकि मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग पढ़े, ऐसे इसलिए यह विवाद उठता है। और इस विवाद के पीछे बहुत सी बातें, बहुत चीजों का कारण है, पर जो आत्मिक है वो समझ आएंगे क्योंकि आत्मिक जान लिखा सब बातें परखता है। बोलो क्या है? जो शारीरिक है वो नहीं समझता, वो तो एक तरफा देखता है। जो आत्मिक है वो दोनों तरफ देखता है, दाएं भी और बाएं भी, सच क्या और झूठ क्या है। जो शारीरिक है वो एक बात को देखेगा, अच्छा उन्होंने गाड़ी मांगी है, फॉर्च्यून गाड़ी मांगी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये क्लियर है कि उस लड़के ने खुद कहा है। बोलो क्या कहा? कि मैं परमेश्वर के काम के लिए गाड़ी दूंगा। चलो पहले हम एक वचन को देखते हैं। तो सब उपदेशक की पुस्तक में, पंजाबी में उसे उपदेशक की पोथी बोलते हैं, उसका 5 अध्याय उसके 4, 5, 6 होता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी करने से मन्नत ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ईश्वर के दूत के सामने कहना यह भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोझ सुनकर आप परेशान हो, तेरे हाथों के कामों को नष्ट करे। देखो कई बार क्या होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं और बाद में वो और पाप में फंसते हैं। अगर इस बंदे के अंदर वचन होता तो इसके अंदर परमेश्वर का डर होता इस फैमिली के अंदर, क्योंकि बाइबल कहती है कि क्योंकि उसने खुद कहा है। अगर उसके अंदर वचन होता तो वो परमेश्वर का डर रखता कि नहीं, मैंने तो परमेश्वर के लिए कहा था। जिस खुदा ने मुझे उस विदेश की धरती पर लेकर गया, मेरे तो बैंड नहीं आ रहे थे। अगर परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मैं लाखों कमा रहा हूं, तो ये खुदा की देन है। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे ब्लेस किया है। वचन के अकॉर्डिंग तो परमेश्वर ने अभी अपने सुना कि मैं तेरे हाथों के कामों को नष्ट करूंगा, ये बात में ये ना कहना, ये भूल से हुआ ईश्वर के दूत के सामने कहना। परमेश्वर कहा अब मैं कहता हूं परमेश्वर इस फैमिली पर अपनी दया रखे। क्या रखे? क्योंकि वचन कहता उसके हाथों के कामों पर मैं नष्ट करूंगा। अगर तू मन्नत मानी है तो उसे पूरी करना, नहीं तो मन्नत मानने से ना अच्छा है कि तुम ना मानो, ये अच्छा है। पर अगर मानी है तो उसे पूरा करना। इसलिए परमेश्वर कहा मेरी प्रजा ज्ञान न होने से नाश हो रही। तो इसने ये चीज तो बोल दी है, पर अगर इसके अंदर वचन होता तो ये पूरा करता। अब चलो इनके अंदर वचन नहीं था,
हो सकता है ये काम हो गया, कोई और कोई एक दो का दुक्का कोई काम होगा जो ना हुआ होगा, इसीलिए यहाँ से उन्होंने वहां इधर से क्विट करके वहां पे चले गए। और जब गए तो उन्होंने कैसे इस बात का मुद्दा बना लिया, बिना सोचे विचारे कि उन्होंने तो खुद कहा है, कैसी ये मूर्खता की बात नहीं लगती। देखो वो खुद मुंह से कह रहे हैं कि मैं दूंगा, और ये कह रहे हैं उन्होंने मांगी जी, उन्होंने मांगी, क्या मांगी बोलो, उन्होंने मांगी ये गाड़ी। ये कैसी मूर्खता की बात है, वो खुद कह रहे हैं और ये कह रहे हैं वो जी प्रेरित सुखपाल राणा जी उनसे फॉर्चून गाड़ी मांग रहे हैं। अब इनके कितने आगे जो सेविक हैं, एक परमेश्वर के रियल मैन ऑफ गॉड को, जिसको परमेश्वर ने अपने खास काम के लिए अभिषेक किया और बढ़ाया है, वो कोई बोल रहा दुख हमें ऐसे वीडियो बना रहा है कि हमें उनकी बातों को सुनकर ऐसे सुख पाल राणा नहीं, ये तो दुख पाल राणा है जो भी ये ऐसे कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा बोलो क्या कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल ही आ रहा है। सच आपके सामने है, इससे आगे मैं और जाऊं, हम एक वीडियो को देखते हैं, तो इस वीडियो को देखो। बलजिंदर की मैं कह दो डरदा नहीं, बलजिंदर की नरूला की सुखपाल राणा की जी सारे पैसे खुआए जी, पैसे खुआए इन्ने पैसे खुआए, मसे भी रखे कुछ नहीं जी, कख नहीं बनया जी, कहते कि नशा छड़ूगा फिर सही हो जूगा जी, नशा छड़ूगा फिर सही होगा जी, नशा छड़ा नहीं जाता। कोई गल नहीं, नाम कोई गल नहीं, नहीं सर मैं कह रहा डरदा नहीं है जी, नहीं नहीं वैसे दसो जिथे मैं गया मैं सच सही गवाही दे, मैं 4 लाख रुपए का नशा कहना नहीं, घरों बहुत तगड़े हैं तो 4 लाख रुपए का नशा करता रहा जी, हूं जिन्ने भी नहीं नहीं पास सुनो करण जी, सारे आदर दे योग ने जिन्निया भी मिनिस्ट्रियां काम कर रही ने, जो उन्होंने कॉल है उन्होंने करना, कॉल तो है पर कोई गल नहीं। अच्छा जो इन्ना नशा, तो भी आपने इस वीडियो में देखा संत परगट यूसुफ मसीह जी जिनका नाम है, तो एक बंदा जिनकी चर्च में गया वो कहता मैं अंकनूला जी चर्च गया, प्रॉफिट बजेंद्र हो चाहे सुखपाल राणा, मैं किसी से डरता नहीं है, इनको मैंने बहुत पैसे खिलाए, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो आगे से बोल रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं है, सब मिनिस्ट्रियां आदरणीय आदर के योग है, अपनी अपनी कॉलिंग है, जो भी जैसे करता है उन्हें करने दो, आप इस बात को छोड़ दो। ये तब उन्होंने क्यों नहीं मुद्दा बनाया, अभी को बनाया, शायद हो सकता है कुछ और कोई दूसरी मिनिस्ट्री हो जिन्होंने के नाम लिए और उनसे ये डरते हैं, फिर हाँ फिर उनको भी मुद्दा बनाना चाहिए था, इन्हीं का क्यों बनाया। चलो अगर बनाया तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम एक वचन को देखते हैं और भी। प्रेरितों की पुस्तक पंजाबी में उसे बोलते हैं रसूलां दे करतब, तो उसका 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो अगर हम शुरू से पढ़ें तो यहां पे एक अगर 3 से ये स्टोरी 3 से शुरू होती है, जब एक जमांदरू लंगड़े को पत्रस और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, चंगा किया। तो आगे जाकर 4 पढ़े तो महाजाजक जो उन्होंने पकड़ लिया, फिर 5 में अगर 5 में पढ़े तो फिर उन्होंने ऐसे मना किया कि यीशु के नाम से क्या नहीं करना, बोलो क्या करना, यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। तो अगर हम इसकी 5 की देखें तो यहां पे हम देखेंगे 5 अध्याय, तो हाँ तो भी 5:29 से पढ़ेंगे। तब पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरकर अपने दाहिने हाथ
पर उच्चे कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति, पापों की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, जिसे जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पे पत्रस ने ऐसे महायाजक को ऐसे उत्तर दिया, वचन से ऐसे बात बताई कि हम किसकी बात माने, आप बताओ उचित क्या है, सही क्या है, क्या मनुष्यों की बात माने या उस परमेश्वर की आज्ञा को माने। अगर हम 33 से पढ़ें तो इसको ध्यान से सुनना, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा है। और ये समय, ये वक्त बताएगा, अभी नहीं, अभी तो बहुत बातें हो रही है, पर जब समय आएगा तो वो वक्त बता देगा। तो पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं 33:5। ये जानकर, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलाएल नाम का एक फरीसी जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायपालक में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियो, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वे मर गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मर मिट गए, सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लखाई के दिनों में यूहन्ना गलीली उठा और कुछ लोग उसकी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तो तब मिट जाएगा, परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से हो तो तब तो तुम उन्हें कदाचित कदा भी मिटा ना सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। बोलो क्या ठहरो? अगर ये काम परमेश्वर की ओर से, तो गमलाएल जो एक भविष्यवक्ता था, एक व्यवस्थापक था, तो उसने ऐसे कहा कि इन मनुष्यों से दूर रहो। तो उसने कहा अगर ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदा भी इन्हें मिटा नहीं सकोगे। उसने कहा कि कुछ दिनों से पहले ऐसे थियूदास का नाम लिया, उसके साथ कुछ 400 मनुष्य हो गए, जब वो ऐसे क्या हो गया, जो लोग उसे माननीय थे, बहुत ऐसे मानते थे, जब वो मर गया तो लिखा सब तितर बितर हो गए। फिर उसी तरह से एक यहूदा गलीली उठा, बोलो क्या उठा, तो उसके साथ भी कुछ लोग हो गए, और जब उसे भी बहुत ऐसे मानते थे, और जब वो भी ऐसे हो गया, नष्ट हो गया, तो वो भी लोग तितर बितर हो गए। तो उसने कहा कि ऐसा ना हो, अगर ये काम परमेश्वर की ओर से तुम कदा भी मिटा नहीं सकोगे, अगर नहीं है तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। किसे ठहरो? परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। अब किसी फैमिली को लेकर ये विवाद उठा है फॉर्चून गाड़ी का, फिर उसके बाद कार्ड का, कि जी कार्ड बनाते हैं किसी से, एक के इतने पैसे, दो कितने और 4% के इतने पैसे, और एक 50 पंखों का भी मांगते हैं, ऐसे बहुत सी ऐसे बातें कर रही। तो ये बोल रहे हैं कि ये पैसे लेकर प्रार्थना करते हैं, जबकि ये कार्ड जब बनता है तो किसी से भी जबरदस्ती नहीं है, वहां पे ऐसे फ्री विल है, जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने जगत से प्यार किया, मैंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो बचाया जाए। परमेश्वर ने ऐसे जबरदस्ती नहीं की ना इंसानों के साथ के मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मुझे मानो, हाँ मैं इस पूरी दुनिया का सृष्टि करता हूं, मैंने अपनी जान, मैंने अपना बेटा आपके लिए दिया है, वैसे नहीं कहा। जो उसने फ्री विल दी, जिसकी इच्छा है, मैंने तो दे दिया।
अब उसी तरह से वहां पे लोगों को मेंबरशिप का जो कार्ड बनता है वो कहते हैं ऐसे किसी से धक्का नहीं, जैसे वो कह रहे हैं गरीबों को लूट रहे हैं, उन गरीबों को जिनके पास घर का खर्चा कराया नहीं है, तो वहां पे ऐसा तो कुछ भी नहीं। जबकि मैं मुझे पता है वहां पे गरीबों की हेल्प की जाती है। अरे इसलिए मैंने क्यों कहा, फिर लोग आखें बोलेंगे कि ये दोष लगा रहे। अगर तुम आत्मिक हो, तुम्हारे अंदर आत्मा है, तो आत्मा तो लिखा परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है, तो तुम बैठो पहले प्रार्थना करो ये सच क्या और झूठ क्या है, जहां फिर बात कर लो उनसे कैसे ऐसे हमारे पास एक फैमिली आई है जी, ऐसे तुम तो हीरो बन रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे करने से वीडियो सोशल मीडिया में बना बना कर डालने से हम मशहूर हो जाएंगे, हमारी जो मिनिस्ट्री है इनके जितने लोग हैं सारे हमारे पास आ जाएंगे। भाई जी ऐसे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने कहा मेरा काम ना बल से ना शक्ति से मेरी आत्मा से। जिन लोगों का आप नाम लेकर बोल रहे हो ना, ये गरीबों को लूट रहे हैं, ये गरीबों को लूट रहे हैं, उनके पास जिनके पास किराया नहीं होता, खाने को नहीं होता, उन्हीं लोगों को विधवाओं को राशन दिया जाता है, कितने लोगों की हेल्प की जाती है, कितने लोगों को जिनसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे से जिन लोगों से विश्वास नहीं होता, डॉक्टरी अलास के लिए उनको ऐसे साथ साथ में चलो इनको थोड़ा क्या कर दे, जिनसे विश्वास नहीं बनता उनको भी ऐसे हेल्प कर देते साथ, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने हेल्प की, कितनी लड़कियों की शादी की। हर काम सोशल मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, बोलो क्या है, हर काम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहे हम कितनी लोग विधवाओं को राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितनी लड़कियों की शादी हो गई, हाँ कितनों की हेल्प हो रही है, हर काम को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा। अगर उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं, ठगियां ही मारनी है, तो फिर लोगों को गोद दे रहे हैं, लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हैं, विधवाओं को राशन क्यों देते हैं, क्या जरूरत है, हाँ जो वो हेल्प करते हैं लोगों की। अच्छा चलो ठीक है, जो भी वो कार्ड है जो बना रहे हैं उसका जो पैसा है किसके काम में लग रहा है, यानी अभी कहा ना कि दुनिया वाले तो कितना राधा स्वामी रंगकारी जितने धार्मिकता वाले हो उन्होंने तो देखो, क्योंकि वहां पे कौन नहीं कौन है जो ऐसे चीजें कराता, और वहां पे कौन है जो ऐसा विवाद नहीं उठने देता, और यहाँ पे क्यों, क्योंकि मसीहा शैतान चाहता है बदनाम हो, जो लोग बचने हैं वो बचे ना, जो क्योंकि नया बंदा अगर ऐसी बातें सुनेगा वो कहां से खा को विश्वास करेगा, वो प्रभु के पास है वो तो पहले लोग ऐसे हैं तो वो कहां आएगा, वो सोचेगा ऐसा है, चाहे वो संसार में अगर धार्मिकता करते हैं। मुझे पता हमारे पास एक लेडीज आई, उसको वो बोल रही थी मैंने बाबू को 5 लाख अपनी बीमारी के लिए दे दिया, 5 लाख बाबू को, तो है ना, अगर यहां पे कुछ भी है तो अगर उन्होंने खुद कहा, एक तो सबसे पहला उन्होंने खुद कहा मांगा नहीं, अगर कार्ड की बात है तो वो भी पैसा किसके काम में यूज हो रहा है, अगर हाईवे पे करोड़ों की वो चर्च बनी है तो ये ऐसे नहीं बन गई, बोल क्या है, अगर वो करोड़ों की चर्च बनी तो ऐसे नहीं बन गई, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, बोलो क्या हुआ है, अगर वो करोड़ों की चर्च बनी है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। और जितना भी पैसा मेंबरशिप का है, पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी से जबरदस्ती है, हाँ जिसकी इच्छा है वो मेंबर बने, बोलो क्या बने, सब मिनिस्ट्रियों में, ऐसे नहीं कि इसी मिनिस्ट्री में, सब मिनिस्ट्रियों में, वो तो इससे भी ज्यादा लेते हैं, 25,000 की मेंबरशिप, 50 की, 1 लाख तक की, ये तो मे बी 1,000-1,500 की बात है, तो वहां पे 25,000 की, 50,000 की, 1 लाख की में मेंबरशिप, बोलो क्या है, 1 लाख तक। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ज्यादातर परमेश्वर के काम में बिजी रहता हूँ, परमेश्वर की रूहों को बचाने का, पर मैंने ऐसे सुना एक मेंबरशिप में एक सिल्वर ऐसे होता है, फिर
गोल्ड होता है, फिर डायमंड होता है, ऐसे करके होते हैं कुछ, पर यहाँ पे तो सिंपल ऐसे बस छोटी सी अमाउंट से, और वो भी पैसा किसके काम में लग रहा है? परमेश्वर के काम में लग रहा है। पर मेन ये मुद्दा है किसी को टारगेट करना। बोलो क्या करना? जब उस बंदे ने तीन मिनिस्ट्रियों का नाम लिया, तब इस बात का मुद्दा नहीं उठाया, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया पर अपने ऐसे वीडियो वायरल की, ये ऐसे कर रहे हैं तीनों। अब एक बंदा इनका आ गया तो आप बोला चलो ठीक है, ये भले मानस हैं, शायद मैं तो ऐसे करूंगा, ये कुछ नहीं करते, चलो इनके विरोध में होते हैं और इनके लोग खींचते हैं। फिर इसका तो यही आपका मकसद बनता है। तो देखो मेरे प्यारे अजीजों, मैं इस बात को लेकर विरोध में ये वीडियो नहीं बना रहा। मैंने जो कुछ भी इसमें बोला है, जो खुदा ने मेरे मन में डाला, मैंने उस चीजों को डाला बोला है। बोलो क्या है? मैंने उस चीज को बोला जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली थी। बातें तो मेरे मन में बहुत सी हैं। अगर मैं विरोध की बातें करूं, जो सेवा आप कर रहे हो, पहले तो जो वचन के अनुसार नहीं है, कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है ऐसे बनकर तुम ऐसा भेष धारण कर परमेश्वर का काम करो, कहां पे लिखा है? पर ठीक है, जैसे भी ठीक है, आप कर रहे हो, ये तो परमेश्वर जाने, हमारा काम नहीं है, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, हमने अपना लेखा देना, तुमने अपना लेखा देना है। अगर विवाद की बात करें, विरोध की बात करें, तो जिस तरीके से आप लोगों को ये चोला ढालकर, ये भेष बनाकर परमेश्वर की धार्मिकता को साबित करना चाहते हो, अगर मैं विरोध की बातें करूं तो बहुत सी बातें मेरे पास, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत सी बातें, बहुत से वचन अंदर मेरे भी, तो मैं भी बोल सकता हूं उन वचनों को, जो भी आप सेवा कर रहे हो, जिस तरीके की भी कर रहे हो, पर नहीं, वचन इजाजत नहीं देता। न्यायी परमेश्वर, न्याय उसने लेना है। मेरा हो, चाहे प्रेरित पॉल राणा जी हो, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, तो न्यायी परमेश्वर ने लेना है। इसलिए अपने उस गमलाइल बहुशक्ता जो एक व्यवस्थापक था, उसने कहा ऐसा ना हो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। क्या ठहरो? बोलो, परमेश्वर से तुम लड़ने वाले ठहरो। इसलिए मैं जानता हूं कि वचन क्या कहता है। बोलो क्या है? तुम्हें ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा कि आप जो कुछ भी, जिस तरीके की भी ये सेवा कर रहे हो, ये वचन के बिब्लिकल, जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, वो नहीं। जो लंबे बाल रख रहे हो, चोला डाल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अगर मत्ती 23 में पढ़े, तो मैं बस वहां पे बहुत सी बातें लिखी हैं, यीशु मसीह ने क्या आकर कहा है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं। फिर वो विरोध की बातें, वो फिर मैं वचन बोलूंगा तो फिर वही चीज हो जाएगी, फिर फर्क कर क्या रहा। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं, जो वचन में लिखा है, आप ऐसा ना हो परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो इसको जो भी आप कर रहे हो बंद कर दो, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है, न्यायी उसने लेना है। आप जो भी बोल रहे हो, कभी आप बोल रहे हो कि चलो इस वीडियो को भी देखते हैं पहले। एक और मेरे को वीडियो आई, तुसी किन्ने आ देखो, ले हैंड करन दा तेरा तरीका बहुत गलत आ। एक केड़ा तरीका हैगा ले हैंड करन दा? हैं, आ देखो की कर दे। सुखपाल राणा जी, देखो वीडियो तुहाडी है, इदां करी दी ले हैंड। जे तुहानू ले हैंड करन दा नहीं पता, तो तुसी महा अभिषेक सभा विच आओ, ले हैंड करदिआं नू वेखो संतरी किदां करदे आ। ते जे तुसी आ नहीं सकदे, ते तुसी इंज करो, घर बैठे ऑनलाइन तुसी वीडियो वेखो कि किदां ले हैंड करदे संत जी। जे किसी ले हैंड करदे कोई लेडी जां उहदे उत्ते हथ रखण दी जरूरत पई, ते संत जी दे नाल लेडीज है रखे पे, वो उन्हें हाथ रख दिया, संत जी उन्होंने द्वारा प्रेयर करते हैं।
जे तुहानू प्रेयर करन दा नहीं पता तां सिखो जरूर, ठीक है। तो अभी अपने इस वीडियो में देखा इनकी कोई सेविक है, इनकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि जो ले हैंड है कैसे ले हैंड करते हैं, अगर तुम्हें ले हैंड करने की समझ नहीं है तो हमारे हमारे जो संत हैं फैर्स जी वहां पे आ जाओ, जहां ऑनलाइन देखो कैसे होती है। बोलो क्या है, कैसे होती है ले हैंड, कैसे होती है वो ले हैंड के। जब भी लेडीज पर है ना, औरतों के ऊपर जब ले हैंड करते तो वो कौन हाथ रखते हैं, लेडीज होती है साथ में उनकी, बोलो क्या रखते हैं। अब इस बात को भी वो मुद्दा बना रहे हैं, विवाद बना रहे हैं, ठीक है उन्हें कुछ तकलीफ होगी तो उन्होंने हाथ रख दिया, बोलो क्या है। अक्सर नहीं तो वो खुदा की जो दासी है वो साथ होते हैं, या कुछ और जो उनके स्पिरिचुअल्स डॉटर हैं या उनके वॉलंटियर्स हैं वो साथ होते हैं, तो वो रखते हाथ। जैसे अगर किसी को तकलीफ है तो वहां पे हाथ रखकर उसकी कमर पे ऐसे डांट दिया तो ये तुम इसको किस नजर से ले रहे हो, तुम्हारा देखना कैसा है, तुम किस नजर से सोच रहे, क्योंकि लिखा जो अंदर है वो बाहर आएगा। मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता, शमसी ने मत्ती में ऐसे जब चेले जा रहे थे तो फरीसियों संदूकों ने कहा तेरे चेले बिना हाथ धोए क्या करते हैं, खाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा तुमने भी तो परंपराओं को टाला है, तुम भी तो माता पिता ऐसे बहुत सी वहां पे ऐसे बातें लिखी, तुम भी तो टाल रहे हो आज्ञाओं को। तो फिर उसने कहा कि मनुष्य किससे अशुद्ध होता है, जो बात जो चीज अंदर है वही मुंह से बाहर आ, अगर नफरत अंदर है ईर्ष्या अंदर है तो वो बाहर आएगी, क्या आएगी, क्योंकि अगर हाथ रख दिया तो उस बहन का भला हो गया। बोलो क्या हो गया है, जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या डॉक्टर लेडीज को छूते नहीं है, जहां पे प्रॉब्लम अगर उसकी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसको उसको ठीक नहीं करते, उसकी ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम है कहीं पर भी गुप्त अंग के पास कुछ भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, हाँ इंजेक्शन लगाना कुछ भी है तो वो छूते नहीं। तो अगर खुदा के दास दें है ना, हर बार नहीं ऐसे, अगर रख दिया तो तुमने इसका मुद्दा बना लिया, क्या बना लिया, इसका भी अपने विवाद एक मुद्दा बना लिया। ये सारी चीजें विरोध की हैं तुम पर, जो भी ये आप कर रहे हो, वचन कहता है ऐसा ना हो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। कुछ लोग बोले ये वो बघियाड़ हैं जो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे सावधान रहना, झूठे मसीह ऐसे मसीहों से उस नबियों से वो फाड़ने वाले उस भेड़ियों के समान है। आप पहले ध्यान से उस वचन को पहले देखो, वो वचन किसके लिए बोला गया, किस ये यीशु मसीह ने वो कहा जा लिखा गया है, पहले उसे ध्यान से, क्योंकि लिखा यीशु मसीह ने कहा पेड़ अपने फल से हो तुम परमेश्वर के कामों से जाने जाओ, फल से पेड़ अपने फल से और तुम परमेश्वर के कामों से जाने जाओगे। अब फल देखना, फल बताएगा कि अगर वो परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ जैसे यीशु मसीह का भी विरोध हुआ तो उसने कहा कामों की अनुसार विश्वास करो, अगर मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं तो ये जो मैं काम करता हूं फिर ये कैसे हो रही, अगर खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम कामों से समझ सकते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। बाइबल कहती परमेश्वर अगर जिसकी ओर है उसका विरोधी कोई नहीं, बोलो क्या है, जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कोई नहीं। तो अगर खुदावंद उनके साथ है तो लिखा तुम गमलाइल भविष्यता ने उस अवस्था पकने का तुम कदा भी ना मटा सकोगे, ऐसा ना हो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आप पर दया करें,
आपको आपके मन के अंदर वो अपनी शांति को दे, अपनी समझ को दे और आप पर दया बना कर रखे। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं परमेश्वर सब बातों के लिए, जितने भी इस वीडियो को सुने परमेश्वर सब पर दया करे, सबको आत्मिक बुद्धि दे और सब पर अपना अनुग्रह बना कर रखे यीशु मसीह के नाम से। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी समझ और आशीष भी दे चुके हैं। आमीन।